और ग्रामर में हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं? 5 चैप्टर आ रहे हैं, क्लियर। थ्री आर रिलेटेड टू, थ्री चैप्टर्स आर रिलेटेड टू टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, क्लियर। एक ये दीप्ति मोदी नाम से किसने ज्वाइन किया है क्लास को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट्स योर नेम? आपका यहाँ पे दीप्ति मोदी नाम से यहाँ पे विजिबल है, तो आप नाम बताओगे अपना? अभी जिसने क्लास, वन सेकंड मैम, क्या व्हाट्स योर नेम बेटा? अभी जिसने गुड मॉर्निंग बोला है, आप अपना नाम बताओगे? मैम अभी भी नहीं दिख रहा है, शायद यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं कर। कोई बात नहीं बेटा, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना? आपका जब नेटवर्क थोड़ा ठीक होगा तो वो अपने आप वो विजिबल हो जाएगा, एंड इवन व्हेन आई शेयर द स्क्रीन। माय नेम इज सम्या। योर नेम इज सम्यक मोदी मैम। ओके सम्यक, बार बार नाम क्यों चेंज कर लेते हो बेटा? ओके सो आज हम ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिलअप के फॉर्म में मैंने आपको एक रिवीजन टेस्ट दिया था जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए थे। आई थिंक मैम आपकी आवाज, मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है या सिर्फ जानवी को नहीं आ रही है? मैम हम सबको तो आ रही है। मैम आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही है बेटा, आज आपके नेटवर्क इश्यू है, दैट्स व्हाई सिर्फ आपको ही क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है, बाकी दूसरे बच्चों को मेरी आवाज आई थिंक क्लियरली आ रही है। यू कट कट के नहीं आ रही है ना? नो मैम, कट कट के नहीं आ रही है। जानिए आपके नेटवर्क में आज प्रॉब्लम चल रहा है कुछ? जानवी एक बार वापस से क्लास लीव कर लो, और उसके बाद वापस से आप क्लास में वहां प्रेजेंट हो, मैं आपको अटेंड करती हूं। ओके मैम। और किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबको दिख रहा है? यस मैम। ओके फाइन। सो मैंने एक रिवीजन टेस्ट दिया था, और रिवीजन टेस्ट में जो मैंने फिलअप्स दिए थे वो आपकी बुक में से नहीं थे। इट मींस दैट वाज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप उसको करेक्टली कर लोगे। नाउ टुडे मैं जिससे भी पूछूंगी सिर्फ वो ही आंसर देगा, पूरी क्लास को बच्चे सारे एक साथ आंसर नहीं देंगे। क्लियर? क्लियर किसको नहीं दिख रही है? मतलब 11 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक दूसरे इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जिसको विजिबल नहीं हो तो मुझे बता देना। जिसको नहीं दिख रही है स्क्रीन, जानवी आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जानवी जानवी आपको स्क्रीन दिख रही है? मुझे दिख रही है। आई थिंक उसको सुनाई भी नहीं दे रहा है अब। मैम मैं मम्मी के फोन से ज्वाइन कर रही हूँ। ओके सो जिससे मैं पूछूंगी सिर्फ वो ही बेटा, कौन सी डे को मैंने सेंड किया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आपका इंग्लिश का टर्न आता है उस दिन ही सेंड हुआ था। तो डे आप लोग अपने आप डिसाइड कर लो, क्योंकि डेली मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। अभी मैंने इनका
टू डेट तक मैंने जो भी भेजा था वो मैंने आपको सेंड कर दिया कि इस दिन तक क्या क्या भेजा हुआ है, अब उसके बाद आप लोग डेली चेक कर लिया करो. यस यस मैम, अब दिख रहा है. ओके बेटा. यस, हु इज आस्किंग एनी प्रॉब्लम? यस बोलो मैम. एग्जाम 27 फरवरी को शुरू हो गए कि 7 मार्च? बेटा मैंने टाइम मैम आई सम्यक सम्यक मैंने टाइम के एग्जाम 9 मार्च एग्जाम 27 फरवरी को शुरू हो गए कि 7 मार्च? सम्यक स्कूल का जो ग्रुप है थर्ड बी का, आप उसपे चेक कर लेना. कर दिया? जी हाँ, तो आप उसपे चेक कर लेना. क्लियर? फाइन. ओके, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं प्लीज वो ही आंसर देगा, दूसरा बच्चा बीच में नहीं बोलेगा. बिकॉज आई विल राइट द मार्क्स कि आप लोग सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो. फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट वर्ब टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस. क्लियर? तो पढ़ के पहली बात आपको पता चल जाना चाहिए कि आप कौन सी टेंस में. डोंट नीड टू टॉक इन बिटवीन द क्लास. मैं सबको कर रही हूँ, जिससे मैं पूछू वो अनम्यूट करके. मैम एग्जाम 27 फरवरी को शुरू होगी कि 7 मार्च? सम्यक आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट? आपको मेरी आवाज आ रही है? सम्यक मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. आपका एग्जाम 9 मार्च से स्टार्ट होगा. क्लियर? टाइम टेबल मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो. नाउ द फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब यूज करना है. दो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है. सो द फर्स्ट वन इज उदय माथुर, यू हैव टू गिव द आंसर. उदय माथुर अपने आप को पहले अनम्यूट कर दो. एनिमल्स डैश इन जंगल. यस Yes. Excuse me, ma'am. Yes, who is asking? Excuse me, ma'am. Yes, beta, poochho. Exam 27. Oh. Samyak, मैं आपको क्लास के बाद में बता दूंगी क्लियरली, ठीक है? आई थिंक आपको नहीं सुनाई नहीं दे रहा है. मैंने 2-3 बार आपको आंसर कर दिया है. मैं आपको क्लास के बाद आपको मैसेज करके बता दूंगी कि एग्जाम कब शुरू हो रहा है. एग्जाम 27 फरवरी को शुरू होगी. हितेंद्र सम्यक को बताओ बेटा. मैम अपने टाइम टेबल 9 से आएंगे एग्जाम और 22 को खत्म हो जाएंगे. सम्यक सुनाई दिया बेटा? मैं उसको एक बार सेंड कर ही देती हूँ. ओके यस. तो उदय, एनिमल्स डैश इन जंगल, एनिमल्स लिव इन जंगल और एनिमल्स लिव्स इन जंगल? मैम लिव्स इन जंगल. लिव्स एस आएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? मैम लगेगा. नहीं लगेगा क्योंकि जब यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम एस नहीं लगाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो फर्स्ट वाला होगा. क्लियर? ये वाला सही है. देन द ओल्ड मैन, सॉरी यू हैव टू गिव आंसर. द ओल्ड मैन डैश विथ डिफिकल्टी. Walk with difficulty or walks with difficulty? Ma'am walks. Walks because यहाँ पे ma'am यहाँ पे one person एक particular किसी old man की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे the लगा हुआ है.
क्लियर। जब हम द कब लगाते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात करते हैं। क्लियर। योगेंद्र नो नीड टू डू एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेश। जैनेश, यस सर। आई डैश क्रिकेट विथ माय फादर। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, क्या लगाओगे? आई एम प्ले, प्ले या प्लेज? आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग। लिसन, जब आप आई यूज करते हो, आई साथ में आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ में हम एस ई एस नहीं लगाते हैं। आई प्ले क्रिकेट विथ माई फादर। क्लियर। नेक्स्ट वेदांशी। हितेंद्र, स्क्रीन पे कुछ नहीं करना है। द बॉय डैश काइट्स फ्रॉम हिज टेरेस। द बॉय फ्लाई काइट्स और फ्लाइज काइट्स? फ्लाइज। द बॉय फ्लाइज। फ्लाइज, ठीक है, ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉय के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सतेंद्र, कंप्लीट बाय यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पता है ना कौन से टेंस होते हैं? जहां पे कुछ काम चल रहा होता है। द बेबी डैश विथ माय हेयर। द बेबी, यहाँ पे प्ले को आपको यूज करना है। अब बताओ क्या है? The baby is playing with my hair. सतेंद्र, क्या होगा आंसर? The baby is playing with my hair. The baby is playing. Is भी लगेगा और ing भी लगेगा। क्लियर। सम्यक, आपको टाइम टेबल मैंने सेंड कर दिया है। आर यू लिसनिंग सम्यक? यस। तो यहाँ पे आएगा द बेबी इज प्लेइंग। इज किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पे सिंगल ए की बेबी के बारे में बात हो रही है। क्लियर। शौर्य, शौर्य अनम्यूट करो बेटा। विक्रम एंड राम डैश फ्रॉम दिल्ली, क्या आएगा? शौर्य आंसर देगा, दूसरा कोई बच्चा आंसर नहीं देगा। विक्रम एंड राम डैश फ्रॉम दिल्ली। हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर लगता है और वर्ब के साथ आई एन जी लगता है। अब बताओ क्या आएगा? शौर्य, गिव मी द आंसर बेटा। जानवी, what will come yes, here? Vikram and Ram is coming from Delhi. Wrong. Are coming from Delhi. Are coming from Delhi. Is इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे विक्रम और राम दो है, एक से ज्यादा है। क्लियर मैम। अगर एक होता तो आता मम्मी, एक होता तो आता, लेकिन जब आई होता है, आई के साथ एम लगता है, और जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं उसमें भी आई के साथ में एस ई एस नहीं लगता है। क्लियर। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि एक है आई तो उसके साथ में सेम चीज फॉलो होगी। तो यहाँ पे जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं, आप लोगों ने जो चीज गलत नोट डाउन करी है उसको क्लियर कर लेना। और ये मैंने दूसरे सेंटेंसेस आपको इसलिए दिए, बुक में से इसलिए नहीं दिए ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अदरवाइज अगर आप, आपको बुक में से दूंगी तो आप सेम आंसर्स आप रिपीट करते रहोगे। क्लियर। नाउ चेंज द वर्ब इन सिंपल पास्ट। आपको सिंपल पास्ट में चेंज करना है। क्लियर। लेट मी आस्क फ्रॉम हितेंद्र, मैंने पूछ लिया ना आपसे? No, ma'am. Okay, हितेंद्र, सी का सिंपल पास्ट क्या होगा?
सी यानी देखना, और देखना का हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसने देखा, तो हम क्या पास्ट में जब सेंटेंस बनाएंगे तो सी को क्या लिखेंगे? सीन। सी का सीन नहीं होगा, सी का सॉ होगा, एस ए डब्ल्यू सॉ। क्लियर मैम। तोषित, तोषित यस मैम। गो का सिंपल पास्ट मैम आई नो। सिंपल पास्ट अगर आप अपनी बुक में चैप्टर खोलोगे तो वहां पे पास्ट में कन्वर्ट करके दिए हुए भी है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आना चाहिए। मैम गो यस मैम लिखे हुए। सेकंड फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो यहाँ पे आएगी। गुड मॉर्निंग गो वेंट। गो वेंट होगा, क्लियर। गो वेंट गॉन, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, जब पास्ट में हम लिखते हैं तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं। नाउ खुशवंत, खुशवंत टीच, टीच का सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टीचर टीच इंग्लिश इन द क्लास। अब इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे टीचर टॉट इंग्लिश इन द क्लास। क्लियर। तो टी ए जी एच टी मैम ट्राई का मेरे को नहीं आया। ओके नो प्रॉब्लम। अभी पहले मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि दिव्यांशु, दिव्यांशु देवयांशु अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। यस मैम। ट्राई का सिंपल पास्ट क्या होगा? कोशिश करना और कोशिश करा, सिंपल पास्ट में हम इसे क्या चेंज करके लिखेंगे? ट्राई, ट्राई T R I E D, Y हट जाएगा और I E D लग जाएगा। क्लियर। जैसे हम फ्लाई में भी Y हटा के I E S लगा देते हैं, वैसे ट्राई में I E D लग जाएगा। क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने सिंपल पास्ट में ही कन्वर्ट किया था। क्लियर। उदय, अच्छा उदय से तो मैंने पूछ लिया था, अभी योगेंद्र, योगेंद्र आर यू लिसनिंग? अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। आई डैश स्वीट्स आफ्टर लंच। ईट, मैं पूछ लूंगी अभी। यहाँ पे आप पीछे देखो हैज लिखा हुआ है, हैज को आप सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? आई डैश स्वीट्स आफ्टर लंच। मैम शैल आई गिव आंसर? पहले योगेंद्र को देने दो। योगेंद्र, जब हमारे पास कोई चीज होती है तब हम लोग हैज हैव हैड यूज करते हैं। क्लियर। तो हमने अगर कोई चीज स्वीट्स को अगर हमने आफ्टर लंच लिया या हमने उसको कंज्यूम किया तो उधर हम हैज की जगह क्या यूज करेंगे पास्ट टेंस में? हैड, हैड। वेरी नाइस। आई हैड स्वीट्स आफ्टर लंच। क्लियर। आप लोगों ने नहीं करा है तो अभी कर लो इस चीज को। फिर यस नाविका, नाविका लिसनिंग? यस मैम। ओके। द नर्स डैश मी सम मेडिसिन। गिव है, गिव का पास्ट टेंस? गिवन। गेव मी सम मेडिसिन, गेव का गेव होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब्दुल, अब्दुल यस मैम। आई डैश माय होमवर्क, पास्ट टेंस में आपको बनाना है सेंटेंस और कंप्लीट लिखा हुआ है, क्या आएगा यहाँ फिलअप के जगह पे? आई डैश माई होमवर्क।
मैम आई आप लोग फिनिश का बोलते हो ना, आई फिनिश्ड माय होमवर्क, तो कंप्लीट लिखा है तो क्या लिखोगे? आई कंप्लीटेड माय होमवर्क. आई कंप्लीटेड माय होमवर्क. यस. नाउ नेक्स्ट समीक्षा. समीक्षा समीक्षा आर यू देयर? Yes. Yes, ma'am. The angry man dash on me. Past me. क्या बोलेंगे? The angry man. उसने shouted. The angry man shouted on me. The angry man shouted on me. Clear? मोस्टली क्या होता है कि जब पास्ट टेंस में लिखते हैं तो ईडी लग जाता है पीछे, लेकिन कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें डी ईडी नहीं लगता है और उनके फॉर्म अलग तरीके से चेंज होते हैं. इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में दिए हुए वर्ब्स को अच्छे से पढ़ लेना. नाउ द सिंपल फ्यूचर टेंस. अब सिंपल फ्यूचर टेंस है. आई डैश ओके ये तो पास्ट टेंस था. I dash pasta tomorrow. Cook है? I will cook pasta tomorrow. Verb change नहीं होगा, सिर्फ will लग जाएगा. Clear? Next. The plane dash at 6 p.m. Will leave at 6 p.m. The plane will leave. Future tense में तो कोई problem I don't think so कि किसी को भी आएगी. Yes. क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी वर्ब होती है उसके पीछे विल, उसके आगे विल लगाना है. क्लियर? मैम मुझे समझ में नहीं आया था 7th में क्वेश्चन. क्वेश्चन 7th सेकंड इन द ब्लैंक्स यू आई एम गोइंग टू एट इन इनटू ऑन अंडर अबव फ्रॉम. ये सारे क्या चीज है? Prepositions. और prepositions में क्या होता है? मैं बताते कोई प्रपोजिशन हम क्यों यूज करते हैं? अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है वर्ड्स को, क्योंकि ये पोजिशन बताता है किसी भी चीज की, कि हम जिस समय बात कर रहे थे उस समय वो चीज कहाँ पर थी. क्लियर? इसके नाम को देखो, प्रपोजिशन. क्लियर? तो ये पोजीशन को बताता है. प्लीज पुट द बुक डैश द टेबल ऑन द टेबल. बुक को अगर आप टेबल पर रखोगे तो ऑन द टेबल. बेटा एक बार मैं स्क्रीन को स्टॉप करके मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस रह जाएगी. अगर आपके वीडियो ऑन होते हैं तो ऑन कर लो एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस, ताकि जब हम स्कूल में मिले तो मुझे पता चले कि मैंने इन बच्चों को 3rd class में पढ़ाया था. Yes. Yes, Aryan. What you are asking? आप एग्जाम के बारे में पूछ रहे हो? Yes, ma'am. Yes. एग्जाम का टाइम टेबल मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया है, आप वहां पे देख लेना. ठीक है? ओके. नाउ दीज आर प्रपोजिशन. प्रपोजिशंस में हम ये चीज देखते हैं कि कोई चीज किसी पर पड़ी है, किसी के पास में है, या किसी के आगे है, पीछे है, नीचे है, ऊपर है. इस तरह की चीजें हम प्रपोजिशन में देखते हैं. तो सेंटेंस को आपको पढ़कर पता चलना चाहिए कि आपको कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे एग्जैक्टली उस सेंटेंस में फिट करना है. क्लियर?
I am going dash the restaurant for dinner. To. I am going to. To the restaurant. रेस्टोरेंट को जा रहा है वो. क्लियर? इस चीज के लिए फॉर डिनर, डिनर के लिए. फिर है बर्ड्स आर फ्लाइंग. बर्ड्स आर इन द स्काई. इन द स्काई, स्काई में उड़ रही है. क्लियर? फिर है द बेबीज टॉय ब्रोक डैश टू पीसेस. क्या आएगा यहाँ पे? Into two pieces. मतलब दो टुकड़ों में. अब ऊपर वाला देखो आप, birds are flying in the sky. Birds sky में उड़ रही हैं, और यहाँ उसका जो टॉय है वो भी टुकड़ों में, टू पीसेस में अलग हो गया है. क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट वर्ड हम यूज करते हैं, कि वो एक जगह इन आ रहा है और एक जगह इनटू आ रहा है. क्लियर? अगर आपको ये स्टोन है और उसको पानी में फेंक रहे हो तो नेचुरली वो पानी के अंदर चला जाएगा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आई थ्रो द स्टोन इन द रिवर, इनटू द रिवर. क्लियर? जो चीज अंदर चली जाएगी उसके लिए आप क्या यूज करोगे? इनटू द रिवर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पंक्चुएशन. पंक्चुएशन आई थिंक यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपको पता है जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगता है कोई भी सेंटेंस. अब यहाँ पे आप देखो, चारों सेंटेंस जो मैंने दिए थे उसमें फर्स्ट वर्ड आपका स्मॉल लेटर में लिखा है, जो आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है. कैपिटल. प्लीज कीप योर पेंसिल. और अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है, स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप लगता है. फुल स्टॉप हम किसे बोलते हैं? जो एक डॉट हम यूज करते हैं उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं. हर सेंटेंस खत्म होने पर एक फुल स्टॉप लगता है. अगर वो क्वेश्चन होता है तो वहां क्वेश्चन मार्क लगता है. क्लियर? और कहीं पे अगर हम अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं, यानी अपनी खुशी, अपना दुख, इस तरह की चीजें शो करते हैं, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है. क्लियर? और उसके अलावा एक चीज और बची पंक्चुएशन मार्क में, दैट इज क्या बच गया? कॉमा. कॉमा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? जहां कोई क्वेश्चन हो. बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं बोल रही हूँ मैं, कॉमा पूछ रही हूँ. कॉमा कहाँ पे यूज? मैम जहाँ पे टू चीजें हो उनके बीच में, जैसे पेंसिल और इरेजर के बीच में कॉमा आएगा. नॉट नेसेसरी कि वहां पे दो ही चीजें हो, वहां पे तीन चार चीजें, मतलब सिमिलर टाइप की जब चीजें होती है और हमें वहां पे उन्हें डिफरेंट, मतलब उसे अलग करना होता है, तो हम कॉमा को यूज करते हैं. सपोज मैं अगर पांच बच्चों से बात कर रही हूँ, क्लियर? अभी जैसे स्क्रीन पे जो विजिबल है, वेदांशी, शौर्य, शौरीश, आर्यन, जैनेश, अगर मैं आप लोगों के नाम लिखूंगी एक ही लाइन में, तो मैं क्या करूंगी? पहले वेदांशी लिखूंगी, फिर कॉमा लगाऊंगी, फिर शौर्य लिखूंगी, फिर कॉमा लगाऊंगी. तो आप सबके नाम के बाद मैं कॉमा लगाऊंगी ताकि आपके नाम सेपरेट हो जाए, क्योंकि मैं आप सबके बारे में बात कर रही हूँ, तो कॉमा से मैं आप लोगों को सेपरेट करूंगी. क्लियर? सो इन फर्स्ट सेंटेंस, आई एम 8 years old, इसमें क्या चेंजेस होंगे? आई कैपिटल हो जाएगा और ओल्ड के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा. सेकेंड है इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इंग्लिश में ई कैपिटल और सब्जेक्ट के पीछे फुल स्टॉप. फुल स्टॉप किस लिए? क्योंकि एक स्टेटमेंट है, एक लाइन बोली गई है बस. फिर थर्ड है हाउ ओल्ड आर यू. आप कितने, मतलब कितने साल के हो, जब ये चीज पूछी जाती है तो हम बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी क्या एज है, वो पूछने के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. सो एच कैपिटल और यू के बाद में क्वेश्चन मार्क, कॉमा लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगेगा. देन फोर्थ, प्लीज कीप योर पेंसिल इरेजर एंड बुक इन बैग. तो यहाँ पे पी कैपिटल और पेंसिल इरेजर के बीच में कॉमा, पेंसिल इरेजर के बीच में कॉमा और
बैग के पीछे फुल स्टॉप लगा हुआ है, अगर नहीं लगा होता तो आप यहाँ पे लगाते, क्लियर। तो एग्जाम में आप इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको इसका सॉल्व दिखा देती हूँ। आपने अगर नहीं किया है तो अभी इस चीज को कर लो, क्योंकि ये रिविजन टेस्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर्स बन चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट होना बाकी है। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, एवरीथिंग इज रेडी फ्रॉम स्कूल साइड, स्कूल की तरफ से सब कुछ रेडी है, आप लोग अपने आंसर शीट्स और अपनी चीजें रेडी रखना। And if there is any problem in the exam, exam में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी problem आती है किसी भी चीज से related, आपको exam के time के बीच में ही call करके, clear, call किसे करोगे? Call किसे करोगे आप? मैं आपको। मुझे क्यों करोगे? मैं जिस subject का paper होगा उसको बोल रही हूँ। और सब्जेक्ट तो सारे मैं ही पढ़ा रही हूँ आपको। मैम कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंप्यूटर मैं पढ़ा रही है, लेकिन बाकी तो मैं ही पढ़ा रही हूँ। यस मैम। साजिदा मैम को, मैम साजिदा मैम को, साजिदा मैम को क्यों करोगे? तुम लिखा लिसन केयरफुल, अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो आप डिंपल मैम को कॉल करोगे, जीके का पेपर है तो डिंपल मैम को कॉल करोगे, मैथ्स का पेपर है तो आप पूनम मैम को कॉल करोगे, हिंदी और ईवीएस के लिए आप मेरे को कॉल करोगे, बिकॉज ऑन दैट पर्टिकुलर डे स्कूल में आपके जो पीडीएफ जो कलेक्ट करते हैं या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं वो उस दिन ये टीचर्स वहां पे अवेलेबल होगी। इंग्लिश के लिए और जीके के लिए डिम्पल मैम, मैथ्स के लिए पूनम मैम, और ईवीएस और हिंदी के लिए आप मुझे कॉल करोगे, क्लियर? बिकॉज क्या होता है एग्जाम में हम लोगों की भी ड्यूटीज लगती है, तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हम लोग अलग अलग मतलब उस दिन अवेलेबल होंगे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आप लोगों के पास पूनम मैम डिंपल मैम सबके नंबर होंगे। yes, ma'am. और नहीं है नंबर दिए हुए हैं आप वहां से नोट डाउन करके रख लो, ताकि एग्जाम वाले दिन कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सको। थैंक यू मैम। मैम डिंपल मैम और मैसेज देना, जो मैसेज ना वापस कर सकते हैं।